तो हाय गाइस, मेरा नाम है आर्यन, जैसे कि आप जानते होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आदि पुरुष एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद आदि पुरुष। आदि पुरुष निकले हुए हफ्ते हो गए हैं एंड अभी मेरे लिए मेरे ख्याल से सही टाइम में डिस्कस करने का मूवी क्यों फेल हो गई एंड जो आगे मूवी आएगी उनको किस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिसर्च। आदि पुरुष वालों ने रिसर्च बहुत ही कम की है मेरे को लगता है, जहाँ तक के बिकॉज जिस बच्चों को रामायण नहीं भी पता ना, मीन्स मैंने रिसर्च ही नहीं किया रामायण के बारे में, टीवी में देखा है, लोगों के बारे में लोगों से सुना है, सो मीन्स सबको पता है एंड सबको पता चल रहा है इन्होंने इतनी गलत मूवी बनाई है। मीन्स कौन सी रामायण में ये जो है जटायु ईगल था मुझे नहीं पता, कौन सी रामायण में राम भगवान बॉलीवुड स्टाइल में सीता सीता करके भाग रहे थे वो रावण के पीछे, कौन सी रामायण में राम भगवान मार खा रहे थे रावण से, कौन सी रामायण में हनुमान जी को मार खाते हुए दिखाया है, कौन सी रामायण में ये बाली को इतना मतलब छल कपटी दिखाया है, मीन्स बाली दूसरों की आदि शक्ति ले लेता। उसमें सुग्रीव का एक डायलॉग था कि मैं बाली से बल में तो मुकाबला कर सकता हूँ, उसके छल कपट में नहीं कर सकता। मीन्स ये कुछ भी, मीन्स बाली को इतनी शक्ति थी आदि शक्ति ले सकता था वो आगे वाले, खुद इतना शक्तिशाली और दूसरे जो लड़ रहे उसकी आदि शक्ति भी आ जाती थी उसमें एंड उसको ऐसा दिखाया गया है। हनुमान जी के इतने घटिया डायलॉग्स, इंद्रजीत नाम इसलिए था क्योंकि उसने इंद्र भगवान को हराया था, बादलों से छुप के हमला कर सकता था, इसमें उसको फ्लैश बना दिया। हाँ, और ये कुंभकर्ण को ऐसा मतलब कैसा कुछ भी, रावण को ऐसा मॉडर्न हेयर स्टाइल दे दिया, विभीषण को मॉडर्न बना दिया, लंका को सोने की लंका से कोयले की लंका में बना दिया, अभी क्या सेंस था इसका। सेकेंड पॉइंट वॉज VFX। अब VFX में ये मूवी हमें पहले भी लग रहा था लैक करेगी एंड VFX को आप सोच रहे हो सेकेंड में क्यों रखा, बिकॉज VFX भी इतना अनोटिस नहीं होता, मूवी इतनी घटिया है। तो सेकेंड पॉइंट इज लाइक VFX में तुमने क्यों किया। अब स्टार्टिंग में वो राम भगवान वाला फाइट सीक्वेंस था, पता नहीं राम भगवान इतने विनम्र थे, उनको फाइट सीक्वेंस में दिखाया वो भी किन्नी चमगादड़ों से लड़ते हुए, इसका मूवी में कोई रोल नहीं था। अब VFX में रावण का सिर का ले लो, मैंने 700 करोड़ रुपए लगाया तुमने, 700 करोड़ रुपए एंड ऐसा VFX। मीन्स अब बहुत सारी लैग वीक पॉइंट्स है, लाइक मतलब प्रभास की बॉडी भी क्लियर नकली दिख रही थी, VFX वर्क ही नहीं कर रहे थे मूवी का, VFX वीक पॉइंट बना दिया, जबकि तुम VFX को अच्छा बना सकते थे। मीन 700 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ब्रह्मास्त्र में इससे ज्यादा अच्छा VFX यूज हुआ है एंड देख सकते हो 400 करोड़ की पिक्चर है एंड VFX का उन्होंने ओवर यूज किया है। मीन्स अब मुझे बताओ वानर सेना में क्यों बंदरों का VFX क्यों कर रहे थे तुम, नॉर्मल VFX रख सकते, नॉर्मल इंसान को रख सकते थे, बट क्यों करना था ये जरूर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लोगों को भी रोजगार मिल जाता है इससे। अच्छा, मीन्स रामायण को इन्होंने ना मजाक बना के रख दिया है, बैड VFX। तो इसी से हमारा थर्ड पॉइंट आता है, मीन्स सारे कैरेक्टर की पावर डिग्रेड कर दी। अब मीन्स मुझे बताओ आप कि ये राम भगवान को इन्होंने इतना कमजोर दिखाया है, बाली को इन्होंने इतना कमजोर दिखाया है, हनुमान जी को इतना कमजोर दिखाया है, हनुमान जी के डायलॉग्स कैसे लिखे थे, ऐसे डायलॉग कौन लिखता है यार, मैं भी नहीं लिखता यार, ये तो इतने खराब डायलॉग्स, ये हनुमान मतलब पावर डिग्रेड के, मीन्स हमारी हार इसी में हो गई। मीन्स जो बच्चों को रामायण नहीं पता होगी वो आदि पुरुष देखेगा, उसके मन में पहले गलत फीडिंग जाएगी एंड देन वो मूवी से निकलने थिएटर से निकलने के बाद वो रावण को सर्च करेगा, राम भगवान के बारे में सर्च ही नहीं करेगा, उसको हनुमान जी कमजोर दिखेंगे, हनुमान जी को डरता हुआ दिखाया गया है। मीन्स जब हमें डर लगता है ना तब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, सपोज मैं भी, हनुमान जी के लॉकेट है मेरे पास, मीन्स हनुमान जी हमारे लिए एक शक्ति का सिंबल है, मीन्स एंड इन्होंने कैसा दिखाया हनुमान जी को, सो देर वॉज लॉट ऑफ लाइक बकवास चीज है आदि पुरुष की इसमें एंड मूवी डिजर्व भी करती थी, हमें रिफंड चाहिए। मनोज मुंडी सर के लिए मेरी जितनी भी इज्जत थी, इंडिया आइडल में आता था देशभक्ति का बोलता था हनुमान जी का वगैरह, सब निकल गई एंड इन्होंने गलती ये भी की कि फेक प्रमोशंस, मीन प्रमोशन में जितना मेहनत डाले ना मूवी में डाल देते यार। एंड प्रभास को भी समझना चाहिए, मतलब एक्टर चॉइस भी खराब थी। मीन्स प्रभास को तुम एज अ लाइक अच्छा एक्टर है लेकिन राम भगवान के इसमें सूट नहीं करता एंड प्रभास भी क्यों ही मना करेगा, सामने से राम भगवान को ऑफर आ रहा है क्यों ही मना करेगा, बट समझना चाहिए ना
दे कैन गो फॉर रामचरण ऑल्सो. प्रभास इज अ गुड एक्टर बट सही सही मैं वो राम वो क्या बोलते हैं ना राम भगवान के इसमें नहीं सूट करता है. प्रभास को तुम ये जो अच्छी एक्शन मूवीज के लिए ये के लिए ले सकते हो. प्रभास का इन्होंने बस नाम यूज करने के लिए पैसा कमाने के लिए यूज किया. सो या गाइस यही बताना था कि मूवी इतनी सारी जगहों में चुकी है. अगर मुझे इनको स्टार देना पड़ा ना तो मैं -1000 करोड़ में चले जाऊंगा, तब भी ये वो नहीं होगा. एंड ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये वीडियो बनाने का ये था कि आगे जो मूवी आएगी अभी ऋतिक रोशन वाली रामायण आने वाली हो तो उनको एकदम एक्यूरेट जाना चाहिए. मीन्स अब जो रामायण जो हमारा इतिहास है उसका अगर तुम बेसिक फ्रेमवर्क भी निकाल सकते हो ना, जो जो बेसिक चीज़ें भी जो दिखाई दे ना वो भी अगर अच्छे से दिखा दोगे तो ऐसे ही ऐसे 1000 करोड़ का आंकड़ा होता है. क्योंकि ये मूवी के लिए मीन सब लोग सही ये मूवी सारे एज ग्रुप के लिए थी. बच्चे भी जा सकते थे, बड़े भी जा सकते थे, उनसे बड़े भी जा सकते थे. मुझे याद है ना इतनी उम्मीद है किसी की नहीं टूटी. मीन्स थिएटर में सब जय श्री राम कर रहे थे एंड देन मूवी स्टार्ट हुई, सबका सब डिसअपॉइंट हो गए. इतना डिसअपॉइंट तो मैं भी नहीं करता है घर वालों को.